पिछले एपिसोड्स में आपने देखा, लाला भैया चांद पर जाने को उतावला है। सब उसे समझा रहे हैं, लेकिन भैया को समझाना आसान कहाँ है। वो धरती से लेकर चांद तक के सफर में जो कुछ होता है, हर चीज जानना समझना चाहता है। देखें इस बार लाला भैया क्या सीखता है। अरे ग्रेविटी का लोचा हो जाता है स्पेस में। ग्रेवी? अरे भैया ग्रेवी नहीं, ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या हो? हाँ जी, मोमबत्ती क्यों जला दी अभी से? अभी तो 10 मिनट भी नहीं हुए। लो बुझा दी, अब खुश? अरे भैया समझा करो, ट्रेनिंग है, कोई मजाक नहीं है। अरे और करवा लो ट्रेनिंग, घोड़े खुल जाएंगे सारे। ओ गजब, स्पेस ट्रेवल की ट्रेनिंग शुरू हो गई लाला भैया की। ट्रेनर मौसाय, समझे कुछ? जिन बातों को खुद नहीं समझे, औरों को समझाया है। कभी कभी अपने ही को बहलाया है। आप फिक्र मत करो, नो टेंशन, मैं इसे ले जाऊंगा वहां पे। कुछ तो चाहिए रहेगा अंधेरे के लिए। अरे गई भैंस पानी में। लो ट्रेनिंग की जरूरत है क्या लाला भैया को? लाला भैया ही नहीं, स्पेस में जाने के लिए सभी को ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, और इसलिए नहीं कि केवल अंधेरे की आदत डालनी है। लेकिन भैया अंधेरा है क्यों वहां पे? क्या सूरज नहीं निकलता दिन में वहाँ पे? निकलता तो है सूरज, लेकिन लाइट फैलती नहीं, इसलिए चारों तरफ अंधेरा ही रहता है, जैसे इस फोटो में दिख रहा है, जो चांद पे सूर्योदय के समय ली गई एक बेहतरीन तस्वीर है। और ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ली गई सूरज की फोटो, इसमें भी चारों तरफ अंधेरा ही है। हमारी मोमबत्ती की लाइट फैल जाएगी भैया, हम तो थोक में खरीद के ले चलेंगे। लाला भैया जुगाड़ तो लगा रहा है, लेकिन लाइट फैलेगी नहीं वहाँ पे, क्योंकि वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर नहीं है स्पेस में। दरअसल हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारी धरती में ये वायुमंडल है, जिसमें हम सब सांस तो लेते ही हैं, चारों ओर उजाला भी रहता है, दिन में सूरज का और रात में चांद तारों का। अरे सीधी बात बोलो ना भैया, सब हवा पानी का खेल है ये तो। सही पकड़े हैं, और फिर भी कदर नहीं है इस हवा पानी की, लगे रहते हैं सब इसका बैंड बजाने में। क्या बात कर रहे हो भैया, हम तो नहीं गड़बड़ा रहे धरती मैया को। अरे गड़बड़ घोटाला करते तो यही नहीं जमे रहते बढ़िया से? इतनी ट्रेनिंग देकर हम उनको स्पेस में क्यों भेज रहे होते फिर? वैसे और क्या ट्रेनिंग होनी है? लाला भैया की ट्रेनिंग कितनी और चलेगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अंतरिक्ष यात्रियों की कई तरह की ट्रेनिंग होती है, जैसे फिजिकल ट्रेनिंग, स्पेस वॉक की ट्रेनिंग जिसे एक्स्ट्रा वेहिकुलर ट्रेनिंग कहते हैं, शटल मेंटेनेंस ट्रेनिंग, और मानसिक रूप से मजबूत बनाने की ट्रेनिंग, और इसके जैसी कई मेडिकल ट्रेनिंग भी होती हैं। ऐसा मेडिकल तो अपने डॉक्टर से बनवा सके हम 100 रुपए में। ये मेडिकल ऑफिस से छुट्टी तो दिलवा सकता है, लेकिन स्पेस ट्रेवल की ट्रेनिंग में काम नहीं आएगा। इसके लिए नासा का जॉनसन स्पेस सेंटर है। वैसे अब इंडिया में भी एक ऐसा सेंटर बन रहा है। तो मतलब जब तक ये ट्रेनिंग सेंटर बनेगा अपने देश में, तब तक क्या वेट करेगा फिर लाला भैया? वेट क्यों करेगा, करवा तो रहे हम ट्रेनिंग उसको। को खुद नहीं समझे औरों को
ये तो बड़ा आसान हो गए। हाँ ऐसा ही तो करना है। अबे क्या रहता फैला रखे हो तुम। अरे वाह पंकज बाबू, आपकी गर्लफ्रेंड क्या रूठ गई, सब रायता हो गया। बात ही कुछ ऐसी है भैया, ना कल से कोई फोन ना मैसेज, इतना खिंचाव सा है कि बस पूछो मत। गर्लफ्रेंड ना ऐसे ही खींचती है दिल को। अरे भैया ये तो गरीबी भी कुछ खिंचाव सा बतावे, हमें तो इसको पार करना है। बात तो सही कही लाला भैया ने, जैसे पंकज बाबू का दिल हर वक्त खींच रहा है, वैसे ये धरती भी हम सबको खींच रही है हर वक्त, जिसे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं। आम भाषा में इसे ग्रेविटी का लोचा भी बोल सकते हैं। इसी ग्रेविटी के कारण हमारी धरती पर एटमॉस्फेयर है और चांद पे नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी बहुत कम है वहां पे। स्पेस में जाने के लिए इसी ग्रेविटी के अंगेज जोर लगाना पड़ेगा। अरे इतना जोर लगा का हो जाएगा क्या? ये थोड़ा कम है, सही फोर्स लगता तो अभी तक ये स्पेस में पहुंच गई होती। बहुत तेज स्पीड होनी चाहिए स्पेस में जाने के लिए। दबा देंगे पूरी रेस, हवा से बात करेगी गाड़ी। कुछ ज्यादा ही रेस चाहिए इसके लिए। वैसे डिपेंड करता है कितनी दूर जाना है। जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने के लिए लगभग 29,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चाहिए। अरे बाप रे बाप, ये तो कुछ ज्यादा ही होगा, हमारी गाड़ी 150 से ऊपर नहीं जा सके। चिंता ना करो, आपके लिए स्पेशल गाड़ी का भी इंतजाम कर रखा है हमने। अजी हाँ, खुल गई तुम्हारी स्पेस जाने की सारी सर्विसेज, गाड़ी भी ट्रेनिंग भी, और अपने लाला भैया तो हो ही रहे हैं तैयार पूरे पक्के वाले गाइड। अरे भैया कौन सी गाड़ी दिलवा रहे हो, अपने पास तो ट्रक का भी लाइसेंस है। ट्रक नहीं, स्पेस शटल चाहिए होगा लाला भैया को, और इसको ग्रेविटी के अगेंस्ट पुल करने के लिए एक रॉकेट भी चाहिए होगा, जिसे लॉन्च व्हीकल भी कहते हैं। पहले रॉकेट एक ही बार इस्तेमाल हो पाते थे, लेकिन अब ऐसे रॉकेट डेवलप हो रहे हैं जो बार बार इस्तेमाल हो सकते हैं। ये कुछ स्पेस शटल हैं जो सैटेलाइट को ऊपर ले जाते हैं। कोई सस्ता सेकंड हैंड दिलवा दो ना, पुराना मॉडल जो खाली पड़ा हो। पुराने वाले मॉडल को ढंग से चेक कर लेना एक बार जरा, कहीं वो लाइका वाला हाल ना हो जाए। आपको बता दें, किसी भी इंसान से पहले लाइका नामक स्ट्रे डॉग ही स्पुतनिक 2 से अंतरिक्ष में भेजी गई, लेकिन उस शटल की गर्मी को वो झेल नहीं पाई। अरे भैया एक जानवर हम भी ले जाएंगे, बकरी ले जाए या भैंस? एक लाला भैया कम था क्या, जो उसकी भैंस की भी ट्रेनिंग कराएंगे। अरे भैया दूध तो चाहिए वहाँ पे, आप चिंता ना करें, हमारी भैंस जबरदस्त कर लेगी वहाँ पे। चिंता आपकी भैंस की नहीं है, पंकज बाबू की गर्लफ्रेंड की है जो रूट गई है। इनको भी दिलवा दो एक रॉकेट जो इश्क की ग्रेविटी से एस्केप करा दे। अरे भैया ऐसी क्या बात है, हम ही ले चलेंगे इनको अपने साथ गरीबी से दूर। ये करी ना सयानों वाली बात लाला भैया ने, अपना जुगाड़ हुआ नहीं कि सवारी एक और पकड़ ली। कोई नहीं, भैंस का गोबर संभालने के लिए एक से दो भले। देखते हैं क्या गजब ढाते हैं ये सब अगले एपिसोड में। लाला भैया के सतरंगी संसार और गुदगुदे सवालों के लिए और क्या करना होगा, हमसे जुड़े रहना होगा, जिसके लिए सबसे पहले सब्सक्राइब करें ये बटन दबा करके, और साथ में लाइक करें और बताएं अपना फीडबैक कमेंट करके ऐसे। क्यों टेनर मोसाय, बड़े परेशान लग रहे हो यार। और शेयर करना भी मत भूलिएगा आप।
कहीं गोबर ना गिर जाए आसमान से। क्या पता लाला भैया भैंस भी ले जा रहा है स्पेस में, कुछ भी हो सकता है। मजा आ रहा है ना, तो बताएं अपने दोस्तों को हमारी इस सीरीज के बारे में। कलाम को सलाम एपिसोड 3।